ये तमाम घोषणाएं आपको बता रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड में न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ये एक और घोषणा की गई है। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बनी समिति, इसको लेकर भी सीएम ने कहा कि जो सिफारिश थी वो नवंबर तक दी जाएगी। प्रदूषण बोर्ड में न्यायिक अधिकारी नियुक्त होंगे, ये एक और बड़ी घोषणा। वेतन विसंगति को दूर करने के बिना के लिए बनी समिति की सिफारिश नवंबर से दी जाएगी। तमाम ये बड़ी घोषणाएं जो है सीएम के द्वारा की गई हैं। पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा के लिए ये छात्रवृत्ति मिलेगी। बार काउंसिल के लिए 7,50,00,000 रुपए की घोषणा की गई है। पेंशनर के लिए 5% अधिक भत्ता किया गया है, 5% अधिक भत्ता बढ़ाया गया है। इसके अलावा नए विधायक आवास में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ये तमाम घोषणाएं आपको बता रहे हैं। विधायकों के वेतन भत्तों में स्वतः वृद्धि के प्रावधान भी किए गए हैं, ये घोषणाएं सीएम के द्वारा की गई हैं। और इसमें सीएम ने सदन में जो घोषणाएं की उनमें पत्रकारों के लिए भी हैं, आम लोगों के लिए भी है, और जो भर्तियां होनी थी उन भर्तियों को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। आरक्षण का जिक्र भी इसमें किया गया है। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 100 ई बस लगाई जाएंगी। बीकानेर, भरतपुर, यूआईटी को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा की गई है। तो बालोतरा और पाली में पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 540 करोड़ की लागत से पेयजल के काम होंगे, ये एक और घोषणा। पाली, बाली, खीवसर, नागौर, लोहावट में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। द्रव्यवती नदी के लिए नई योजना की घोषणा भी सीएम के द्वारा की गई है। 100 क्लस्टर में सीवरेज मैनेजमेंट के कार्य की घोषणा भी सीएम ने की है। और इसके अलावा अगर बात करें जो घोषणाएं की हैं उनमें पेंशनर के लिए 5% अधिक भत्ता किया गया है। 1,000 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण की घोषणा की गई है। 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में सीमेंट की सड़क बनेगी। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 100 ई बसेस चालू की जाएंगी। और इसमें कौन कौन सी बसें होंगी, ये जो बड़े शहर है बीकानेर भी इसमें शामिल किया गया है। टेस्टिंग लैब के लिए 15,50,00,000 राशि स्वीकृत की गई है। पोखरण में 400 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ कर चुके हैं और प्रदेश में 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित भी है। विद्युत क्षमता संवर्धन के लिए जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। अजमेर में आईटी पार्क की घोषणा की गई है, आईटी पार्क बनेगा। 450 करोड़ की लागत से पेयजल योजना की घोषणा भी सीएम ने की है। उद्योगों को सैंपलिंग सुविधा के लिए लैब स्थापित होंगी, ये भी एक घोषणा। तो 100% तक रिक्तियां बढ़ाने के भी प्रावधान किए गए हैं। कॉमन टेस्ट में सभी श्रेणियों के लिए